दोस्तों पैसा इंसान को हमेशा फैसिनेट करता है। बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के बारे में आपने सुना होगा, उसके ऊपर काम किया होगा, एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा होगा, बुरा भी रहा होगा, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, एक्सपर्ट ऑप्शंस के ऊपर करना चाहते हैं, IQ के ऊपर करना चाहते हैं, बाइंस के ऊपर करना चाहते हैं, या कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके $100 मिलियन जो हैं वो कमाना चाहते हैं या ऐसी सोच रखते हैं। हम आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं, कब आपने अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, कब आपने स्टॉप होना है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। मेरा नाम है अदनान खान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताजी यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या ये स्कैम है, क्या वाकई हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो लोग इससे अर्निंग करते हैं, क्या ये स्कैम है, क्या हमें इसको पहले सीखना पड़ेगा फिर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, कि डायरेक्ट हम इसके ऊपर काम करेंगे और थोड़ी बहुत ट्रिक्स जो हैं उसको यूज़ करके हम बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पाकिस्तान है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। कोई भी पर्सन समझाने के बजाय डिफरेंट ट्रिक्स के बारे में बताना शुरू हो जाता है कि आप ये काम कर लें, ये कर लेंगे, ये काम कर लें, ये कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में इसको समझना पड़ेगा, कौन कौन से लूप होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिनको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद इसके ऊपर हम अगर काम करते हैं तो हमें प्रॉफिट लाजमी मिलेगा। तो दोस्तों आज की मैं वीडियो डेडिकेट करता हूँ वो ट्रेडर्स को जो कि ट्रेडिंग एप्लीकेशन को यूज़ करके पैसा बनाना चाहते हैं, ऐसा ड्रीम रखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम एक्सपर्ट ऑप्शन की ऐप की बात करें तो एप्लीकेशन में सबसे पहले इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले आप इसमें पैसा डिपॉजिट करें। वो आप थाउजेंड्स भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आप हंड्रेड्स भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आप इसमें $100 और $1000 जो हैं वो इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो फंडामेंटल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। आपने जो भी $100 और $1000 इसमें डिपॉजिट किए हैं उसका आप डबल ट्रिपल आप इसमें से अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाकई हम क्या इस चीज़ को कर सकते हैं, क्या वाकई ये चीज़ रियलिटी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में सबसे पहले एक चीज़ चल रही होती है कि जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनके साथ मिलकर काम करते हैं, आप ऐसा लगाते हैं ग्रुप वाइज, ठीक है। अब 3 बंदे हैं तो एक बंदे ने जो है वो $1000 लगाया, $3000 बन गया। तो आपने एक जगह के ऊपर आपने इस चीज़ की इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी ग्राफ के ऊपर आपने उसकी इन्वेस्टमेंट की। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं दैन उसके बाद अगर तो आपके जो एक्सपर्ट हैं उनको प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर उनको लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। तो ये जो मैंने आपको मेथड बताया है तो इसको बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग क्या हमें करनी चाहिए, क्या हमारी स्किल डेवलप होगी या हम किसी अगले पर्सन के ऊपर मुनहसर हैं, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, तो पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये मार्केट्स जो हैं वो काम कैसे करती हैं। यहाँ पे फॉरेक्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, क्रिप्टो है, तो ये सारी जो मार्केट्स हैं, तो इन कंपनीज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे शेयरिंग के रिलेटेड, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड वो सारा काम होता है। तो यहाँ पे तब तक आप काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक छोटी सी पार्टी ना हो, जिसको एक ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर आपके लिए काम करता है, वो आपके लिए शेयर खरीदता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके देता है। अब देखिए ब्रोकर आपके पास वेल ट्रस्टेड होना चाहिए। इससे ये हो सकता है कि आए दिन बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। जैसे ही आपने कोई भी डॉलर जो है उसको जनरेट किया है, अर्न किया है, तो आपके अकाउंट में से वो फिनिश हो जाएंगे। तो इसके लिए एक ब्रोकर का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ब्रोकर भी आपके पास आ गया, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इस मार्केट में काम कैसे करना है। यहाँ पर आपके पास ब्रोकर भी आ गया, वेल ट्रस्टेड, ठीक है, ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट भी ओपन कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपको काम आना चाहिए, ठीक है, कि काम कैसे करना है इस मार्केट में। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद आने चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस। ये दोनों मेथड्स अगर आपको आते हैं तो आप जो मार्केट है इसमें आप बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं आती या इसके बेसिक्स की भी पता है तो फिर भी आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर आपको इन दोनों एनालिसिस के बारे में अच्छे से पता है, पॉलिटिकल न्यूज़ क्या चल रही है, ठीक है, मार्केटिंग शेयरिंग न्यूज़ क्या चल रही है, ठीक है, और मार्केट में कौन सी जो प्राइसेस हैं वो अप हो रही है, कौन सी डाउन हो रही है, ठीक है, कौन सी शेयर के ऊपर हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, कौन सी शेयर के ऊपर नहीं करनी चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट रोक देनी चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, ये सारा कुछ आपको इन दोनों टाइप्स में मिलेगा जो कि मैंने बताया है, टेक्निकल एनालिसिस और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस। इन दोनों मेथड्स का अच्छे से पता चल जाता है, अच्छे से आपने 6-7 महीने इसके ऊपर आपने सर्वाइव किया है तो आपको पता चल जाएगा ग्राफिकली कब मैंने मार्केट में इन करना है, कब मैंने आउट करना है, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना है, कब मैंने स्टॉप करना है, ठीक है, कब मैंने वेट करना है और कब मैंने दोबारा बूस्ट करना है। तो ऐसे आपको ईच इन एवरीथिंग आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये जो एक्सपर्ट ऑप्शन हो गया, IQ हो गया या बायंस हो गया या कोई भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन हो गई, वो आपको इस चीज़ का नहीं बताते हैं कि सबसे पहले आप जो हैं ये फंडामेंटल्स या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आप जान लें, समझ लें, गाइडेंस जो है वो ले लें प्रॉपर तरीके से। उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है डिपॉजिट के ऊपर कि जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी जो ट्रेडर्स हैं वो जल्दी से आएँ और आके डिपॉजिट करें और अपना काम स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आप लोग मार खाते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ऐड देखा उन्होंने, जो बंदा बता रहा है कि मैंने ट्रेडिंग एप्लीकेशन करके ये मैंने कार ले ली है, ये मैंने घर ले लिया है, तो इसी झांसे में वो फंस जाते हैं और जाके वो जो ट्रेड करते हैं, जैसे जैसे 1-2 क्लिप देखी है और कॉपी ट्रेडिंग से वो कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते। तो यहाँ पर बेनिफिट होता है वो जो कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, जो वो बताती हैं ना कि 100 और 1000 डॉलर जो आप अर्न कर सकते हैं वो पल भर में वो कमा लेते हैं, ठीक है। अगर 100 बंदा भी 1000 डॉलर लगाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 सेकंड में उनके पास कितने डॉलर्स जा सकते। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि सबसे पहले आपको कोई भी काम करने से पहले फर्स्ट प्रिंसिपल आना चाहिए। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है किसी भी काम को करने से पहले उसको समझना, जानना, अच्छे तरीके से आप उस चीज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उसको हासिल कर लें, दैन आप कोई भी काम करें। अगर आप ट्रेडिंग कर लें या दुनिया का कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता, तो सबसे पहले उस चीज़ को समझ लें, जान लें, उसके बाद आप काम करें। आई होप कि आपको ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के रिलेटेड उनकी रियलिटी और वर्क एबिलिटी के बारे में पता चल गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।